हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप एडोब इलस्ट्रेटर में कोई सा भी स्ट्रोक अगर आप बनाते हैं, यानी कि लाइन खींचते हैं, तो उसका जो एंड एज जो होता है उसे हम राउंड शेप में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्रॉब्लम क्या है और क्या हमें करना पड़ता है। तो इलस्ट्रेटर खोल लेते हैं सबसे पहले। तो इलस्ट्रेटर मेरे दूसरे स्क्रीन पर खुल रहा है, मैं इसे ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ। ठीक है, कोई सा भी पेज लेते हैं, अभी तो सिर्फ आपको दिखाना है मुझे, तो इसलिए मैं कोई सा भी एक A4 पेज ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ। यहाँ से लाइन मैंने ले लिया, शिफ्ट के साथ मैंने खींचा। अब इसका स्ट्रोक थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और 1px है, इसे हम करते हैं इतना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो हमारा जो है लाइन का जो एंड एज जो है इस टाइप का है। ठीक है, तो हमें इसे राउंड शेप में कैसे लाना है तो इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैं एक और कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जिसे आपको करना है उसे आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल F10 प्रेस करना है। ठीक है, कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपके पास खुल के आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंड शेप का है, ऐसा है, बहुत सारा चीज़ है आप कर सकते हैं, लेकिन राउंड शेप करने के लिए सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे राउंड हमारा लाइन का जो किनारा है हमारा इस टाइप का हो गया। ठीक है, आप इसे सिंपल क्लोज कर दें। फिर से इसे भी करना है आपको, इसे भी सिलेक्ट करें, कंट्रोल F10 प्रेस करें कीबोर्ड से और यहाँ पर राउंड शेप में ला के इसे कर दें बंद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे हमने एक लाइन सेगमेंट को बहुत आसानी से इसका जो एज जो होता है यानी कि एंड पॉइंट होता है बहुत आसानी से हमने उसे राउंड कर दिया। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।